हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज के इस नए टॉपिक में बात करेंगे रॉकेट डाई की सेटिंग के बारे में। अभी फिलहाल मेरा जो है डाई जो लगी हुई है वो उसमें काउंटिंग नहीं आ पा रहा है, तो नई डाई का सेटिंग मैं आपको पूरा बताऊंगा। जनरली क्या होता है कि जब हम अपना नया डाई उसमें डालते हैं तो प्रॉब्लम आने लग जाती है, वो जल्दी से सेट नहीं हो पाता है। तो इसका प्रॉब्लम मैं आज आपको बताने वाला हूं और इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा कि आसानी से कैसे हम अपना जो नया डाई है उसको सेटिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं दिखाता हूं एक आध दो स्टिक निकाल के आपको कि हमारा स्टिक जो है मोटा आने लगा है। देखिए थोड़ा सा हमारा डाई जो है पुराना हो चुका है और पुराना होने की वजह से हमारा जो है काउंटिंग नहीं आ पा रहा है। काउंटिंग नहीं आने का कारण है कि हमारा जो बत्ती है वो थोड़ा सा मोटा आने लग गया है। तो फटाफट से हम चेंज करते हैं और लगाते हैं नया डाई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना होगा और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नया डाई सेटिंग करने वाले हो तो आपको एक पुराना रॉकेट जो है लेना होगा, जो पहले से यूज़ हो चुका है उसे आपको रीयूज में लेना है खाली डाई की सेटिंग करने के लिए। तो ये होगा हमारा रॉकेट पुरानी वाली और ये है जो हमारा जो नया डाई जिसे हम लगाएंगे, ये है 3.0 का HT हंगटंग का। ये है हमारा नया डाई, इसे हम यूज में अभी लगाएंगे। तो फटाफट से इसे खोलते हैं। इसे खोलने का एक ट्रिक है, खोलने के लिए सबसे पहले आपको इसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ये वाली जो बोल्ट है हमारी इसको आपको खोल लेना है। कई लोग क्या करते हैं कि जब रॉकेट डाई, कई लोगों का क्या होता है कि जब अपने को रॉकेट डाई जो है लगानी होती है तो हम पूरा हब निकाल लेते हैं। पूरा हब आपको नहीं निकालना है और फिर हैमरिंग से ऊपर से ठोकने लगते हैं, इससे आपका रॉकेट जो है ख़राब हो जाएगा। तो आप पहले इसको सीधा कर लीजिए, उसके बाद आप ये ऊपर वाला पोजिशन निकाल लीजिए। और उसके बाद आपको थोड़ा सा मशीन जो है चालू करना है ताकि जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर से ये ऊपर आने लगेगा। तो ये देखो हमारा पूरा जो है रॉकेट जो है निकल के बाहर आ गया। आपको इस तरह से निकालना है। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं डाई। ये डाई भी हमारा बाहर आ गया और आपको जो सेटिंग के टाइम आपको जो है पुराना डाई, पुराना जो रॉकेट है उसे यूज़ में लेना है। ये हमारा जो है रॉकेट है पहले लगा हुआ था ये वाली और हम अभी इसे यूज़ में लेंगे, क्योंकि जब नया जो रॉकेट डाई अपन जो नया डाई अपन सेटिंग करते हैं तो उसमें जो अपना पुराना रॉकेट है उसी से सेटिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसे आसानी से वो सेटिंग हो जाता है। तो इसे रखते हैं साइड में और यूज़ में लेंगे इसे, उसके बाद हम इसे साफ कर लेते हैं तुरंत। ये हो गया हमारा पूरा खाली, उसे थोड़ा सा कपड़ा से भी साफ करके हैं। और यहाँ जो चूड़ी जो लगी हुई है उसको आपको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि इसमें जो पुराना जो प्रीमिक्स है हमारा वो सूख जाता है। तो इसको भी अच्छे से साफ कर लीजिए। अब उसके बाद हमारा ये है, इसमें भी हमारा थोड़ा सा प्रीमिक्स जो है जमा होता है, तो इसको भी आप अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद ये है हमारा रॉकेट, अभी इसे हम डालते हैं। और जब भी आप रॉकेट यूज़ करें तो ध्यान दें कि जो हंगटंग जो लिखी होती है वही वाली जो रॉकेट है वो यूज़ में लाएं आप, बाकी जो रॉकेट्स होते हैं वो अच्छे से नहीं चल पाते। तो ये है हमारा पुराना वाला रॉकेट, इसे हम डालते हैं।
और ये है हमारा डाई, तो सबसे पहले इसे लगा लेते हैं। अब सेटिंग करें तो पुरानी रॉकेट से ही करें, क्योंकि पुरानी रॉकेट जो होती है वो गैपेस का जो गैप जो बनते हैं तो वहाँ पे इनका जो है बॉन्डिंग अच्छे से तैयार होता है, इसलिए हम पुराना जो है रॉकेट यूज़ में ले रहे हैं। और उसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, जब भी आप जो नया डाई आप सेटिंग करोगे तो आपका जो प्रीमिक्स है, जो प्रीमिक्स पाउडर है, वो थोड़ा सा सूखा हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे आप नॉर्मली चलाते हैं उससे थोड़ा सा सूखा होना चाहिए, क्योंकि जो नई डाई होती है उसमें गीला होने का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो थोड़ा सा आप सूखा रखें उसे। अब डालते हैं हम इस डाई को। ये वाला जो पोजीशन है इसको आपको पूरा टाइट कर लेना है सेटिंग करते समय। इतना काफी है। उसके बाद आप हल्का हल्का जो है प्रेशर दीजिए, इसके बाद चालू करके आपको हल्का सा प्रेशर टच करके निकाल के देखना है। और उसके बाद आपको फिर से धीरे धीरे आपको रिटर्न लेना है, पीछे लेना है। ये देखो हमारा आना चालू हो गया। इसको सेटिंग करने का यही तरीका है कि आप इसको पूरा टाइट कर लीजिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे जो है इसको ढीला करते जाना है। और एकदम से आप ढीला रखोगे तो जो आपका प्रीमिक्स है वो पीछे से आना चालू हो जाएगा, तो वैसा आप मत करना। सिंगल में जो है निकालनी है, कुछ स्टिक आप दो चार स्टिक रख लीजिए, उसके बाद सिंगल में आपको निकालना है। देखो इस तरह से आपको निकालना होगा। और इसका जो बत्ती का जो सेटिंग होता है, सबसे बड़ा सेटिंग जो है वो हमें इसी तरह से करना है। दो तीन स्टिक आपको निकाल लेनी, उसके बाद जो साइजेस आएंगे, जैसा कि देख रहे हो आप ये जो साइज है, इसे ही हम बत्ती का जो है सेटिंग बोलते हैं। जो रॉकेट डाई का मेन जो होता है आपको दिख रहा होगा छोटा सा, 2 से 3 mm ये आनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं आना चाहिए ना इससे कम भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका जो स्टिक जो है वो डिफेक्ट निकलेगा। आपको इसे ध्यान में रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आपको ध्यान रखना ही है। ये तो स्टिक मैं कुछ चला के दिखाता हूँ आपको। देखेंगे कि जो स्टिक है वो पतली आ रही है बहुत। फीडर से इसको चला के देखते हैं। तो इस तरह से आपको जो है रॉकेट और डाई की सेटिंग जो है करनी है। स्टिक जो है काफी पतला जो है आ रहा है हमारा। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा रॉकेट डाई की सेटिंग के ऊपर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आपके मशीन में ज़्यादातर कौन सी प्रॉब्लम्स आती है।
और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।